हेलो एवरीवन, आज है 4 मार्च और आज फिर से बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्त प्रॉफिट। बैंक निफ्टी 12:47 पर आपको जो कॉल दी गई थी 47,375 से और 450 के टारगेट के लिए, तो जबरदस्त प्रॉफिट 450 भी निकला, 500 भी बैंक निफ्टी निकला, तो जबरदस्त प्रॉफिट। और 47,300 की जो कॉल में 340 से 400 के टारगेट रखे गए थे, 400 प्लस निकला, जबरदस्त प्रॉफिट 47,300 की कॉल में। साथ ही में आप कल बैंक निफ्टी कल की प्रिडिक्शन और यस बैंक के कल के प्रिडिक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको बता दें अभी बैंक निफ्टी बाई ट्रेंड में है और बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट यहाँ पे किया है और डबल बार यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। पिछली बार यहाँ पे जब ये डब्लू पैटर्न बना था, यहाँ पे इसने देखो यहाँ पे अच्छे से ब्रेकआउट यहाँ पे किया, फिर नीचे आए, रिट्रेस पॉइंट लिया, फिर से दोबारा से इसने इसी लेवल को वापस से ब्रेकआउट कर दिया और इनसाइड कैंडल बनने के बाद फिर से यहाँ पे 3 बार इसने ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया है। तो बाई बैंक निफ्टी यानी कि 50,000 के टारगेट के लिए तैयार है। जब तक स्टॉप लॉस ये वाला 44,000 नहीं आता, तब तक बैंक निफ्टी 50,000 के लिए जाने के लिए तैयार यहाँ पे रहेगा। बीच बीच में तो गिरावट तो आती रहेगी, प्रॉफिट बहुत बीच बीच में होती ही रहेगी। तो कल के बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल सब आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी जैसे कल अगर 47,500 के लेवल, ये वाला जो लेवल से ये ब्रेक होता है 47,515 का लेवल ब्रेक होता है, तो बैंक निफ्टी में 47,750 तक का यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी 47,200 के लेवल को नीचे ब्रेक करता है, फिर आपको बैंक निफ्टी 47,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। चलते हैं यस बैंक टेक्निकल चार्ट पर। यस बैंक पूरे दिन के दौरान लास्ट पहले सुबह सुबह इसमें 25.70 रुपये तक की बड़ी कैंडल एक बनी, उसके बाद में लास्ट में देख सकते हैं फिर से एक बड़ी कैंडल बनी, यानी कि 2 बड़ी कैंडल बनी है। सुबह अपसाइड में बड़ी कैंडल बनी है और शाम को इवनिंग में नीचे की साइड डाउन साइड में बड़ी कैंडल बनी है। लेकिन जो इसका जो आपको ब्रेकआउट जो हुआ है 25 रुपये और 20 पैसे का जो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इसका स्टॉप लॉस 23.50 रुपये के साथ यहाँ पे बने रहना है। तब यस बैंक यहाँ पे पॉजिटिव है। कल की इस यहाँ पे यस बैंक में 25 रुपये जैसे क्रॉस करेगा, वापस 25.50-26 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं और 26 के बाद में 27.50-27 तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले हम एक एक टारगेट देखेंगे, 25, 50 और 26 के टारगेट, लेकिन 25 के लेवल को ब्रेक करेगा तो बाकी 23.50 के स्टॉप के साथ तो इसको पोजिशनली बने ही रहना है। साथ ही आपको आइडिया वोडाफोन आइडिया की यहाँ पे अपडेट देता हूँ। यहाँ पे अपसाइड में 18.40 पे जाके और फिर से यहाँ पे जो 13 रुपये का सपोर्ट के आसपास जाके वापस 18 गया था, दोबारा जब ये लोड कराया तो एम पटने में बन चुका है। पिछली बार भी यही सपोर्ट लेकर तेज़ी आई थी, फिर यही दोबारा से यहाँ पैदा सपोर्ट आके तेज़ी आती है, तीसरी बार फिर से यहाँ आ गए, यहाँ से देखो सपोर्ट आके तेज़ी आई है, लेकिन आज यहाँ पे थोड़ी सी प्रूफ बुकिंग देखने को मिली है। कल आइडिया के अगर सेल्स में अगर आप इसको तेज़ी आनी है तो 14.50 रुपये क्रॉस करना होगा, तब जाके 15 रुपये के आसपास के टारगेट दिखा सकता है। अदरवाइज 14 रुपये को ब्रेक करेगा तो एक बार 13.65 तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है।